हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। तो आज जिस वीडियो को देख रहा हूँ वो मेहर गुप्ता की वीडियो है। होप सो आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ मेरी उंगली कट गई। अरे कैसे कट गई? चलो ये भाई है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं कटी आज तक। क्या बोला तुमने? ये कह रहा है जुबान तो नहीं कर रही उसको। हां दवाई लेके आ रहा हूं। मैं अक्सर हंसा देता हूं उदास लोगों को। हां मैं अक्सर फेस पे काट पड़े उदास लोगों को, क्योंकि मुझसे मेरे जैसे लोग नहीं देखे जाते। सारी उम्र मैं चौकड़ जब यारे देख के चल बे। हल्के में ले रहा दिखे नहीं तो क्या बारी मिलू। जानता कौन हूं मैं? कौन है तू? कोरोना का मरीज हूं। और हमारी मुझे गाइस, अमिताभ बच्चन जी और प्राण साहब एक बस स्टॉप पे खड़े थे। अच्छा। तो जैसे ही बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए पर अमिताभ बच्चन जी नहीं चढ़े। बताओ क्यों? हाइट इशू। मैं बताऊं, क्योंकि बस के ऊपर लिखा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन के मतलब कि प्राण जाए वचन न जाए, यही है मतलब कि वो नहीं चढ़ सकता। जब वो बनती है तो उन्हें सांस अच्छी नहीं मिलती, और जब वो सांस बनती है तूने बहुत अच्छी नहीं मिलती। ये तो है, दिक्कत है, ये इनकी अपनी वाइज है ना भाई। लड़कों का दिल ना बस की तरह होता है, आप भी आ जाओ। तो भाई लड़कियों का दिल कंडक्टर की तरह, इसका भी काटूंगी उसका भी काटूंगी। देखो इन्हें विनिंग कैश उसकी बूं। हेलो एफबी है कोई कि मेरे बाप की कोई शिकायत करूं तो क्या करूं, जो भी मांगू वक्त से पहले मिल जाता है। कि मेरे बाप की कोई शिकायत करूं भी तो क्या करूं, जो भी मांगू वक्त से पहले मिल जाता है। मैं काला पीला गोरा सांवला जैसा भी हूं, मुझे देखते ही मेरी माँ का चेहरा खिल जाता है। क्या बात है यार, अच्छी बात है क्या? स्माइली फेस बन देगा। गाइस ये पढ़ो क्या लिखा है। अगर पटाखे और फुलझड़ियों का नाम सुनकर आपके दिमाग में लड़कियों का ख्याल आता है ना, तो मेरे दोस्त बर्बाद हो चुके हो तुम। दिवाली आया था। किसी ने मुझसे पूछा कि सतयुग और कलयुग में क्या फर्क है। मैंने कहा सतयुग में गुस्सा आने पर श्राप देते थे और कलयुग में गुस्सा आने पर ब्लॉक कर देते हैं। भाई तुम दोनों अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना। भाई समझना क्या हम तो है। अच्छा ये बता, कल ना मेरे घर के दो बिल्लियों का आपस में झगड़ा हो गया। करते करते उनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनमें से एक बिल्ली पानी में गिर गई। तो दूसरी वाली बिल्ली ने क्या कहा होगा? भाई पता नहीं, तू बता। भाई म्याऊं। बड़ा सीरियस हो गया सुना। चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दी। ये भी ग्रुप है भाई। हमारे इंडिया और बाहर के देश के लोगों में क्या फर्क है? भाई बाहर के देश के लोग टीचर से कहते हैं कि आप हमारे बच्चे की बस केयर करना और उसको प्यार से रखना, रिजल्ट डजंट मैटर फॉर अस। और इंडिया के लोग, भाई हमारे देश के लोग, आप इसे मारिए, पीटीएसटी खाल उतार दीजिए, हमारी तरफ से पूरी परमिशन। पाकिस्तान से कहते हैं बंदा आपने किया मेरे देश। यात्रा आज का पेपर कैसा हुआ है? मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, तू अपना बता। यार बस हो ही गया, बस समरी छोड़ दी। ओए समरी भी थी? हां दूसरे पेज पे थी। ओए दूसरा पेज भी था? अच्छा भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड से कितना डरता है? भाई मैं तो बहुत डरता हूँ, तू नहीं डरता क्या अपनी गर्लफ्रेंड से? बिल्कुल भी नहीं डरता। देख अभी उसी का कॉल आ रहा है। हेलो कहाँ हो, कब आओगे? हाँ आ रहा हूँ, और नहीं आऊंगा तो क्या उखाड़ लोगी? जल्दी आ जाओ। हाँ वैसे मैं कोशिश करता हूँ बेबी, आ रहा हूँ। आओगे या नहीं? यार तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? काटो कॉल, मैं आ रहा हूँ। हाँ बस देखा ऐसे वैसे में किया इसे? भाई कॉल म्यूट पे करके ना सारी भड़ास निकाल देता है तेरा भाई। पार्टी में मजा आ गया। ओ भाई तू इतना हाफ क्यों रहा है? मेरे अभी मैंने 5 रुपए बचाए। भाई वो कैसे दीवा, दीवा। भाई मैं ऑफिस से निकल रहा था ना तो मेरी बस छूट गई, बस के पीछे भागता हुआ आया मैं। तू इतना बेवकूफ है ना? हां इसके अपने अगर टैक्सी के पीछे भागता तो 100 रुपए तो बचते। यार गाइस आज मैं बहुत दुखी हूं। क्या और मुझे क्या दुख है, मैं कह नहीं पाऊंगा, इसलिए आप ये पढ़ लो। आ गई समझ? आ गई आपको भी समझ नहीं आ रही? आपको भी समझ नहीं आ रही? मुझे पता था कि मेरा दुख कोई नहीं समझता।
अच्छी कॉमेडी यार। कि हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फे, ऐ जाने तमन्ना, कि हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फे, ऐ जाने तमन्ना, खुदा की कसम अगली बार खाने में बाल आया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। जोर का झटका प्यार अगर एक से हो बड़ी दर्दनाक तो भोलापन है, बातें प्यार क्या? अगर दो से हो तो दीवानापन है, प्यार अगर तीन से हो तो पागलपन है, और अभी भी आपकी गिनती नहीं खत्म हो रही तो कमीनापन है। बेड नंबर 3 के पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया था डॉक्टर साहब, मेरी बीवी की रिपोर्ट आ गई। हाँ बस ऑपरेशन चल ही रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब सुनिए, अगर मेरा लड़का हुआ ना तो कहना सेब, और लड़की हुई तो कहना लीची। ठीक है ठीक है, जाओ चेक कर कराओ। प्रभु माता रानी पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। हाँ हाँ क्या रिपोर्ट है डॉक्टर साहब? यहाँ तो दोनों हो गए। बताइए ना डॉक्टर साहब, अब मुबारक हो, अब फ्रूट चाट हुई है। जोर का झटका फ्रूट चाट। भाई टिकटॉक किसका है? चाइना का। भाई यूट्यूब? अमेरिका का। भाई लड़ कौन रहा है? पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। तो बताओ बच्चों, इंग्लिश में तो काफी वर्ड साइलेंट होते हैं, हिंदी में होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। बताओ बताओ। मैम जैसे दुकानदार कहते हैं कि हम आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, तो उसमें चूना वर्ड साइलेंट होता है। और शादी में लड़की वाले कहते हैं कि हमारी लड़की गाय है, उसमें सिंग वर्ड साइलेंट होता है। और विदाई के टाइम जब लड़के को कहा जाता है कि ख्याल रखना, तो उसमें अपना वर्ड साइलेंट होता है। और जब नेता कहते हैं कि गरीबी हटाएंगे, तो उसमें अपनी शब्द साइलेंट होता है। पछताओगे, आज तक पछता रहे हैं। पछताओगे तब हम लोग समझ नहीं पाए, आखिर में वो गाना नहीं, उस 2020 की चेतावनी। वार्निंग। ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, हम तो रोज नहा लेते हैं, आप तो मुंह भी नहीं धोते। भाई अगर कोई शादीशुदा बंदा मुझे मेरे बर्थडे पे HBD लिख के भेजता है ना, तो मैं भी उसके एनिवर्सरी पे हाँ हाँ लिख के भेज देता हूँ। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को, मैं बता दूं आप, देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा, आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। बहुत बुरा लगता है ना, समझी, जिससे हम दिन भर बातें किया करते थे, दिन भर जिसको मैसेज किया करते थे, उसी से जब माँ बाप शादी करवा देते हैं। हेलो भाई। हाँ बोलना यार। उसकी आवाज सुन ली, उसे कॉन्फ्रेंस पे लेना यार प्लीज। अच्छा रुक मैं लेता हूँ, बट तू कुछ बोलियो मत, ठीक है? हाय राहुल कैसा है? मैं बस, तू बता। मैं बस एकदम फर्स्ट क्लास। क्या फील कर रहा है? आज आ रहा है ना तू? कहाँ भूल गया, बर्थडे पार्टी है मेरी आज। हैप्पी बर्थडे। अच्छा चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। भाई दुनिया में अगर भगवान ने सबसे ज्यादा दिलदार किसी को बनाया है तो वो हम मर्द है। भाई वो कैसे? भाई हम कभी भी एक औरत के चक्कर में दूसरी को नहीं छोड़ते, बल्कि दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। यार ऐसा भी भाई, तूने ऋतिक रोशन का वो गाना सुना है, ऐ मेरे दिल तू गाए जा? अबे वही गाना ना जिसमें तुषार कपूर भी है। अबे तुषार कपूर कहाँ से आ गया इसमें? कौन से गाने की बात कर रहा है तू? अबे वही भाई, ऐ मेरे दिल तू गाए जा। अबे तो इसमें तुषार कपूर ने भी तो गाया है, ए आई आ। जोर का झटका। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप यहाँ जॉब करने आए हैं? जी सर। तो आपका नाम क्या है? सर पप्पू कुमार। क्या बात है पप्पू जी, तो आप क्या करते हैं? कुछ करता तो सर आपके पास थोड़ी आता। वाह यार अच्छी कॉमेडी की है उसने, लाइक अपनी की है, ये बड़ा मतलब के देखने को अच्छा मिलता है। चिमकांडी की भी देखी है, वो भी बड़ी फनी थी यार। उसका पार्ट 2 की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है, 100K व्यूज उसके वीक में ही चले गए हैं, इसके अब जितने भी आएंगे लाइक
अमेजिंग वीडियो थी, मजे की वीडियो थी, अच्छा देखने को मिला, लाइक फनी फेस था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ वो कॉमेडी कर रहा था। एक हेलो ऐप है बीच में, मुझे नहीं पता ये कौन सा ऐप है, उधर किस चीज़ का अकाउंट है, मुझे लास्ट में बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मजा आया देख के, होप्स आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।